राजगढ़ जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पीड़िता जिसकी उम्र 20 साल है ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी लखन केवट ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती गर्भवती हो गई तो लखन ने शादी से इनकार कर दिया और साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने हेतु ब्यावरा अस्पताल भेजा गया जहाँ पीड़िता ने मृत नवजात शिशु को जन्म दिया। बताने आरोपी जो ग्राम भावावत थाना कुमरा जिला गुना का रहने वाला है, उसने पीड़िता को 8 महीने पहले शादी का झांसा दिया और पीड़िता के साथ उसके मामा के घर कानरखेड़ी में कई बार शारीरिक संबंध बनाए जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई तथा आरोपी द्वारा बाद में पीड़िता से शादी करने से मना कर दिया तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह फरार हो गया। मामले में पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री भारतेंदु शर्मा के मार्गदर्शन में फरार आरोपी की धरपकड़ हेतु टीम गठित की गई। आरोपी लाखन केवट को उसके निवास स्थान भावावत से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद न्यायालय ब्यावरा पेश किया गया। न्यायालय ब्यावरा से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को जिला जेल राजगढ़ दाखिल किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा महोदय के नेतृत्व में क्षेत्र में एवं जिले में घटित अपराध घटित कर फरार आरोपियों को धरपकड़ हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हमारे थाना मलावर में दिनांक 29/6/2020 को पीड़िता 20 वर्षीय निवासी ग्राम पाली गोसाई थाना मलावर क्षेत्र की उपस्थिता का रिपोर्ट की थी कि आरोपी लाखन सिंह केवट जो ग्राम भावावत थाना कुमरा जिला गुना का रहने वाला है, इसके साथ 8 महीने पहले शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जिससे पीड़िता का 8 महीने का गर्भ रह गया। अब वह शादी करने से मना कर दिया तथा यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है कि पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना मलावर में धारा 376 IPC 506 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चूँकि आरोपी दूसरे जिले का गुना जिले का रहने वाला था, घटना दिनांक से ही उसकी तलाश के प्रयास किए जाने लगे परंतु वह अपने घर से फरार हो गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नवल सिंह सिसोदिया SDOP साहब श्री भारतेंदु शर्मा साहब के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई तथा आरोपी की धरपकड़ के भरसक प्रयास किए गए और 7 दिन के अंदर आरोपी को कल दिनांक 10/7/2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से जेल वारंट होने तक बनने से आरोपी को जिला जेल राजगढ़ में दाखिल किया गया। ब्यावरा से विष्णु गिरी की रिपोर्ट।